अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन यूपी में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के कारनामे जारी हैं। 2019 से जो मीट फैक्ट्री अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड तमाम नियमों के उल्लंघन के कारण सील पड़ी थी, उसके भीतर मीट की पैकिंग चल रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की दूसरी शुरुआत में बुधवार रात 2 बजे पुलिस व प्रशासन की टीम ने कई विभागों को लेकर फैक्ट्री में छापा मारा तो इसका खुलासा हुआ। फैक्ट्री में अवैध रूप से पैक किया जा रहा करीब 5 करोड़ रुपए का मीट बरामद हुआ है। मौके से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गंभीर बात यह है कि यह सील फैक्ट्री लंबे समय से चल रही है, लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि किसी विभाग को इसकी जानकारी न हो। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में हाजी याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी, बेटे इमरान व फिरोज समेत 14 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने फैक्ट्री से अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। ये थाना खरकौदा क्षेत्र में कल एक सूचना मिली थी रात्रि में, जिसमें दबिश की गई एक मीट फैक्ट्री थी, और वहाँ पे जाने पे पता चला कि भारी मात्रा में लगभग 25 टन मीट जो कि पैकेजिंग की जा चुकी थी वो मिला फ्रीज़र में, प्लस लगभग 6 टन जो रॉ मटेरियल था वो भी मिला। और इसमें सभी विभागों को सूचित किया गया, पूरा एक ज्वाइंट इसमें ऑपरेशन हुआ। इसमें इसके बाद सारे माल को सीज किया गया और 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा इसमें दर्ज किया गया, जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 4 लोग अभी शेष हैं। और ये प्रथम दृष्टया लग रहा था कि आर्थिक भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए ये चीज़ की जा रही थी, क्योंकि फैक्ट्री बंद थी और इसमें ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पिछले 7-8 दिन से ऐसा सूचना मिला था कि इन्होंने शुरू किया है। इस पर कठोर कार्रवाई की गई है, आगे इसमें गिरोह बंद अधिनियम के तहत भी वाद पंजीकृत करके और इसमें दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ जो भी इससे धनार्जन किया है उसके जब्तीकरण की कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। सर अब तक कितनी गिरफ्तारी इसमें हुई? इसमें कुल 10 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं और 4 शेष हैं। सर पूर्व मंत्री हाजी याकूब की फैक्ट्री है या किसकी है, कौन इसमें डायरेक्टर है? इसमें डायरेक्टर उनके लड़के हैं, लेकिन इसमें चूंकि देख रेख हाजी याकूब कुरैशी जी भी करते हैं, उससे कोई बच नहीं सकता। सारे लोगों की जिम्मेदारी तय की गई है, सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। जो कल सूचना मिला था उसके आधार पर पुलिस विभाग के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, MDA, खाद्य सुरक्षा विभाग और पोल्यूशन, पशुपालन, ये सारे बाटमा विभाग, ये सारे विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है। और पूरे दिन उस फैक्ट्री में जितने भी अवैध गतिविधियां हो रही थी उसके पूरा हम लोगों ने साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। पहला FIR कल पुलिस द्वारा थाना खरकौदा में पंजीकृत कर दी गई है। अन्य विभागों के स्तर से जो कार्रवाई होना है उसके लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया जा चुका है। मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ आज या कल तक हम लोग इस पर जो अन्य विभागों के स्तर से जो कार्रवाई होना है वो हो जाएगी। और जिन जिन विभागों का ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहा है इसको मतलब इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए, उनके स्तर से भी लापरवाही परिलक्षित हुई है, उसको भी संज्ञान में लेके आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। क्या क्या कमियां मिली हैं, कितना वहाँ माल मिला है, क्या अवैध कटान मिला है या बगैर लाइसेंस के वहाँ पैकेजिंग की जा रही थी, क्या अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो यह है कि बिना परमिशन का, वाइड परमिशन का वहाँ मीट की पैकेजिंग हुई है। और शेष बिंदु है उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं, उसका भी सबूत हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जिसके आधार पर जो धाराएं बढ़ाई जाएगी, सैंपल जो सक्षम लैब है वहां भेजी गई है। और खाद्य सुरक्षा विभाग का जो नियम है, पॉल्यूशन विभाग का रूल्स है इसमें भी, और MDA का जो कंडीशंस है उसमें भी उल्लंघन हुआ है और संबंधित विभाग द्वारा उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध कटान भी मिला है क्या सर? अभी जो सूचना हमारे पास है, जो कल तक जो मिला हमारे पास जो एविडेंस है उसके आधार पर हम इसको पुष्टि नहीं कर सकते हैं, मगर हमारी जांच जारी है। इसमें कुल 14 लोग
नामजद हुए हैं, जमील गजेंद्र सिंह तोमर, फिरोज़ रहीश, साकिब सुल्तान, सलाउद्दीन शाहनवाज, अहमद खान, मंजूर आलम, मुफीद हुसैन, इलियास अहमद खान, मोहम्मद इमरान कुरैशी, फिरोज़ याकूब कुरैशी, समझीदा बेगम। इस तरह का जो वहाँ हमारे अभिलेखों में जो आधार पर वहाँ का जो भी जिम्मेदार लोग है वो, और वहाँ जो लोग पकड़े गए हैं उनके बयान के आधार पर, सारे तथ्यों को आधार पर जो अभियुक्त हैं उनको नामजद किया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।